हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ किचन में रोज़ की तरह, और कार्तिक चला गया अपने स्कूल, और आज है ट्यूसडे, तो आज है रेनू की छुट्टी। और मैं आज कुछ स्पेशल करने वाली हूँ गाइस। मैं कम से कम एक हफ्ते पहले मेहंदी जो है पार्क से, हरी पत्ते वाली मेहंदी जो मैंने तोड़ के लाई हुई हूँ, और एक हफ्ते से मैंने उसको बचा के रखा हुआ है। हालांकि वो सड़ी गली नहीं थी और अच्छे से मैंने उसको फ्रीज में सेव करके रखा था, और आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ मेहंदी। गाइस, बहुत टाइम हो गया है और मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, और एक हफ्ते पहले ये मेहंदी समझ लो 5-6 दिन हो गए थे मैं लेके आई थी, पर रेनू को पिछली बार टाइम नहीं मिला और मुझे भी टाइम नहीं मिला। तो गाइस, पिछली बार तो मेरे सर में भी दर्द होता है, इस वजह से मैं लगाए नहीं, और फिर सर्दियाँ चालू हो जाएंगी और मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि इतना ठंडा मौसम, ऊपर से ठंडी मेहंदी। तो गाइस, देख सकते हैं आपको मैं दिखाती हूँ, ये मिक्सी हमारी, इसमें हमने ग्राइंड की है मेहंदी। तो मैं आपको कैमरे बैक करके दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने आया है मैंने इसमें, और क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला के मैं ये मेहंदी लगाने वाली हूँ अपने बालों में। तो आप लोग बने रहिए। तो गाइस देखिए, मैं अभी बाहर गई कुछ लेने के लिए, और मैंने वहाँ देखा मैना आई हुई, क्योंकि रोज़ मैं ना छज्जे पे मूंगफली और बिस्कुट के दाने ज़रूर डालती हूँ, और गिलहरी अभी आवाज़ मार रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, आपको साथ के साथ दिखा देते हैं। मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है, इसमें एलोवेरा डाला है, कलौंजी डाली है और मेथी डाली है, ये तीन चीज़ें मैंने ज़रूर डाली है। और ये रही हमारी मिक्सी, इसमें धोई हुई मैंने पत्ते वाली जो मेहंदी, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये मेहंदी मैंने धो के, और ये रहा हमारा एलोवेरा। आप लोग कहेंगे झूठ बोल रही हैं दीदी। तो गाइस, ये मेरा एलोवेरा मैंने छील के उसी में ग्राइंड कर लिया, और ये इसको बाकी मैंने मम्मी से पूछा लगाओगी, तो मम्मी बोली ठीक है, तो धो लेती हूँ, धो के फिर मैं ग्राइंड कर दूँगी, क्योंकि गाइस मैं पार्क से धो के लेके आती हूँ। इतना बड़ा पार्क है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो उस पर से कोई पंछी मान लो पॉटी वगैरह कर देता है, या इतनी डस्ट उन पर बढ़ती तो सब गंदा हुआ ना, इस वजह से इसको आके पत्ते वाली मेहंदी को पहले धो लेती फिर ग्राइंड करती। तो चलते, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हम फटाफट और मेहंदी जो है ग्राइंड कर लेते हैं, और अपना जो ये है खाने का इन्ग्रीडियंट जो है मैं जाके गिलहरी को डाल के आ जाती हूँ, फिर मैं आपको दोपहर में मेहंदी लगाते वक्त मिलूँगी, ठीक है। तब तक कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और गाइस 2 सब्सक्राइबर कोई ऐसे है ना जो रोज़ मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं और बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मुझे फॉलो मत कीजिए, ना ज़बरदस्ती मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जब अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर ना बहुत ही समझ लो मेहनत के खुशी देते हैं मुझे, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मेरे रोज़ 1000 2000 या 500 या 100 200 रोज़ बढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो समझ लो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा शायद अगर मैं मेहनत करूँगी तो। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं कि जो रोज़ से सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब नहीं कीजिए, भले ही मेरा वीडियो देखे कोई बात नहीं, बट मुझे सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। तो चलते, ये मेरी बात उन सब्सक्राइबरों के लिए थी जो मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब दे देते हैं, मतलब 2 मिनट की खुशी फिर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से दोपहर में मिलूंगी, मेरे जो और भी प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनसे, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी अपनी बहन से मेहंदी लगवाते वक्त, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हालांकि मैंने अभी कपड़े धोए, नहाना धोना और झाड़ू पोछे, किचन की साफ सफाई आप लोग देख सकते हैं अभी सारा ऐसे ही फैला पड़ा बाकी है। तो दोपहर में चलते, दोपहर में मिलेंगे आपसे, ठीक है, बने रही आप लोग ब्लॉग में। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर, और घर से मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर, और मम्मी के घर आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, आज रेनू है छुट्टी पे, और इधर देख सकते हैं मिली हमारी नानी जी से। नानी भी आई ना आज, मामा के घर रहती है गाइस, और आज नानी आई, नानी का भी जू बहुत बढ़िया हो गया, कह रही बहुत बढ़िया लग रहा है ना। नानी भी नहा धो के एकदम लेटी हुई है, और रेनू भी ऑयलिंग कर रही है अपने सर में, और मैंने देख सकते हैं आप लोग बाल खोल रखे हैं, मुझे लगवानी मेहंदी, मैंने सुबह हाँ बहुत मैं धो ले, 4 बजे रख, 4:30 बजे तक लाग पे, 8 बजे तक धो ले बख। गाइस, बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी बालों में मेहंदी लगवाने के लिए, थोड़ा सा कलर आ जाएगा और बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल बहुत बेकार हो रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, मेहंदी लगवा लेती हूँ। सो गाइस, मेरे मेहंदी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, और टाइम हो रहा है 4:30, और नानी देख सकते हैं आप लोग चुन्नी उन्नी ओढ़ के एकदम रेडी होते आ रहे हैं, हालांकि पेटीकोट में
ऊपर ऊपर बच्चे हर चीज मम्मी बेसन लेके आई है, बेसन लेके आई मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी पकोड़े बनवाएंगी नानी के लिए, है ना नानी। और गाइस मैं आई हूँ यहाँ पर, उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन ये रखे हुए यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। बहन ना जाओ, ये क्वेश्चन रखे हुए ये मैं अपने घर पर लेके जाऊंगी। मेरे छोटे क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो गए, बेकार हो गए सारे। और नानी को देख लिया जो हो गया ना नानी, बहुत टाइम बाद नानी से मिलूं गाइस, मिल ही नहीं पाती, पास में होते हुए नानी से मिल नहीं पाती हूं। यार ये देखा इनके चप्पल चप्पल देखने यार, ए अभी मैं उठाएंगे पूरे घर को, मानते नहीं है गाइस। देखिए रेनू पकोड़े बना रही है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मिर्ची और गोभी के पकोड़े हैं। और इधर मम्मी आ चुकी है, मम्मी बैठी हूँ, उधर नानी बैठी हमारी, देखो नानी, कार्तिक भी बैठा हुआ है। और अर्शु को देखिए क्या कर रहा है, कार्तिक गया हुआ कफ लेने के लिए। अब नानी आ रही है, चाय जो है बन चुकी है और कपों में छानी जाएगी, और नानी चाय पियेगी और हम सब भी चाय पियेंगे। नानी आ रही है, होड़ रही नानी, आएंगी होड़ेंगी। मम्मी जा रही चाय छानने के लिए नानी के लिए। नानी चाय एक घंटा हो गया मेहंदी लगाए हुए, और अब चलते गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेते हैं। और चाय जो है मम्मी छान रही है, उसके बाद आपसे मिलेंगे। वैसे तो ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि गाइस ज्यादा समय नहीं बचा है, और ना ही मैं आगे जाके फ्री रहूंगी इतना कि मैं बनाऊं, ठीक है। यहाँ मम्मी चाय वाय छान रही है, आप लोग रेनू को लगा कि मैं गई, उसने मुंह बैक किया, इसको नहीं पता कि मैं शूट कर रही हूँ। चाय और पकौड़ा पार्टी चल रही, चाय और पकौड़ा पार्टी। ऐसे नानी के पकोड़े रखे हुए, इधर कार्तिक की चाय रखी, कार्तिक पकोड़े खा रहा है, इधर नानी पकोड़ों का आनंद ले रही है, देख सकते हैं आप लोग। और नानी की चाय, ये रिक मक्खन, मम्मी बड़ी, देख सकते गर्मा गर्म चाय, उधर है मिर्ची के पकोड़े, उधर कुकमैन। तो चलते हैं चाय का आनंद, तो चलते हैं दोस्तों। अपना जो चाय है नाश्ता शाम का वो करते हैं। आई होप ये आज का छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपनी रिकमेंड को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे मुझे अनसब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर है वो प्लीज मुझे फॉलो मत करना। मुझे बहुत दुख होता है जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। ये बात मैंने उन्हीं के लिए बोली जो मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते। और इधर मेरी नानी खा लो गोभी पकौड़े, कार्तिक हाँ तो मारे जाएंगे। तो चलते दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं। ये रेनू की